हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सब कैसे हो? सब अच्छे हो ना? कल आप सबको जो मैंने पोयम बताया था, किसने किसने इसको दोबारा पढ़ा? कौन कौन लोगों ने दोबारा पढ़ा इसको? और किसको किसको समझ में नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया है वो एक दो बार वीडियो और देख ले, ठीक है ना? एक दो बार और वीडियो देख ले। कल यही मैंने आप सबको पोयम बताया था, फ्रूटी राइम, यानी कि फ्रूट्स का पोयम, चैप्टर नंबर 3। आप सबको मैं पूरा कल समझा दिया था। और आज हम क्या पढ़ेंगे? इसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज जो इसका होगा वही हम सब एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन, क्या दिया हुआ है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप सबको ऑप्शन दिए हैं, क्या दिए हैं? 1, 2, 3 ऑप्शंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में ऑप्शन आपको मिला हुआ है। आपको क्वेश्चन पढ़ करके यहाँ पे क्या जिस जिसका ये ऑप्शन होगा उसमें टिक करना है। टिक का मतलब ये टिक करना है, ठीक है? स्टार्ट करें। व्हाट शुड वी ईट मोर, हमें सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? आप सबको कल मैं बताया था क्या खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए कि चॉकलेट खाना चाहिए कि दोनों खाना चाहिए? बताइए आप सब, हम सबको ज्यादा ज्यादा क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए। तो यहां पे मैं फ्रूट्स पे टिक कर दिया। आया बात समझ में? सेकंड देखेंगे, व्हाट मेक्स यू लिव लॉन्ग, आप सबको लंबे समय तक जीवन कौन देता है? क्या आपको मिठाइयां देंगी? अगर आप मिठाई खाएंगे तो क्या आप जिंदा रहेंगे? आपके दांतों में कैविटी हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। चॉकलेट खाने पे जिंदा रहेंगे ज्यादा दिन तक? नहीं रहेंगे। फ्रूट्स खाने से हमको एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको खाने से हम लोग ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे, है ना? पावर मिलती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग फ्रूट पे क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। सब लोग अपने अपने बुक पे लगाइएगा जैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर ए था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है और इसको क्या करना था? टिक करना था, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए क्या है, क्वेश्चन का हमको आंसर करना है। मैंने आप सबको बताया कल, आप सबको पूरा पूरा बता दिया था चैप्टर के बारे में, चैप्टर में क्या क्या है। तो उसका अब क्वेश्चन है और इसका क्या करना है? आंसर करना है। जैसे देखिए यहां पे दिया है, व्हाट शुड वी ईट मोर, हमें सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? बार बार मैं बोल रहा हूं, क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए। तो यहां पे क्या लिख देंगे आप लोग? फ्रूट्स। ये फ्रूट्स, ठीक है? आप सब अपने अपने कॉपी पे इसको करिएगा, बुक पे। अगर क्वेश्चन आंसर है तो क्वेश्चन आंसर आपका बुक पे नहीं होगा, किस पे होगा? कॉपी पे होगा। आप सब अपने अपने कॉपी पे करिएगा। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है यहां पे, व्हाट शुड वी ईट लेस, हमको कम क्या खाना चाहिए? आप सबको कल पढ़ाया था ना, देखिए यहाँ पे, यहाँ मैं आप सबको बताया था, लॉट ऑफ फ्रूट वी मस्ट ईट, हम सबको ज्यादा ज्यादा फल खाने चाहिए, और लेस ऑफ चॉकलेट्स एंड लेस ऑफ स्वीट, चॉकलेट और स्वीट्स क्या हमको कम खाने चाहिए, यानी चॉकलेट्स और मिठाइयाँ हमको कम खानी चाहिए। तो वही तो यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि व्हाट शुड वी ईट लेस, हमको क्या कम खाना चाहिए? क्या कम खाना चाहिए? चॉकलेट और स्वीट। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? चॉकलेट, ये देखिए, चॉकलेट एंड स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, ठीक है? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे चॉकलेट्स चॉकलेट्स, ठीक है? एंड स्वीट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि व्हाई शुड वी ईट फ्रूट, हम सब फ्रूट्स को क्यों खाते हैं? मजबूत रहने के लिए ना। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर स्ट्रांग, क्या लिखेंगे? फॉर स्ट्रांग। आया बात समझ में कि नहीं आया? हम लोग स्ट्रांग रहने के लिए तो फ्रूट खाते हैं, हम लोगों को मजबूती मिलती है ना। क्वेश्चन नंबर सी आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, अब इसको यहाँ पे फिल करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, लॉट्स ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉट्स ऑफ, क्या है यहाँ पे? फ्रूट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉट्स ऑफ फ्रूट,
क्या हो जाएगा, लॉट्स ऑफ फ्रूट, एफ आर यू आई टी एस, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स वी मस्ट ईट, ठीक है। लेस ऑफ, अब यहां पे क्या रहेगा, देखिए सेकेंड लाइन इसका क्या बोल रहा है, लेस ऑफ, लेस ऑफ चॉकलेट्स एंड लेस ऑफ स्वीट्स, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, लेस ऑफ चॉकलेट्स ठीक है एंड लेट्स लेस ऑफ स्वीट्स ठीक है। आई बात समझ में कैसे हो रहा है, फ्रूट मेक यू, देखिए अब फिर हम लोग पीछे जाएंगे, यहां क्या देखेंगे, फ्रूट्स मेक यू क्या बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, देखिए यहां लिखा है ना कि फ्रूट मेक्स यू स्ट्रांग, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्रूट, देखिए फ्रूट मेक यू स्ट्रांग, बात समझ में आई कैसे हो, कैसा है यहां पे स्ट्रांग कि नहीं। फिर दे मेक यू, देखिए यहां पे जस्ट नीचे दे मेक यू दिया है ना, द मेक यू क्या, लीव लॉन्ग क्या है, लीव लॉन्ग, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पे, लीव, क्या हो जाएगा, लीव ठीक है। देखिए लीव लॉन्ग तो पहले से दिया है, क्या हो गया, लीव लॉन्ग। तो ये सब आप सब अपने अपने कॉपी पे कर लीजिएगा, कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, इसके आगे जो यूजिंग ग्रामर है, यूजिंग ग्रामर हम लोग कल पढ़ेंगे और वर्ड मीनिंग भी हो सकता है हम लोग कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब आप सब अपने अपने पे कर लीजिएगा, ओके।